हम लोग पिछले वीडियो में 8.1 का प्रश्न संख्या 11 तक देख लिए थे। अब देखिए 12 से बनाएंगे, है ना। देखिए 12 में क्या प्रश्न है। 3t-4=11। इसमें t का मान निकालना है, तो देखिए 3t को जैसा का तैसा रखने देना है। 11-4 LHS में, है ना। तो -4 RHS में जाने से क्या +4 हो जाएगा। 3t=11 और 4 कितना होता है 15, तो 15 लिखना है। तो t=15 निकालना है। 15 3, देखिए t के साथ क्या गुना में है, और इधर आने से क्या होगा भागा में बट्टा में लिखा जाएगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 15, इसीलिए t = कितना 5 हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न देखिए। (2y+3=9), इसमें y का मान निकालना है। तो 2y को जैसा का तैसा आयाम देना है, उस पर 9 को उतारना है। अब देखिए +3 है दायां तरफ जाने से कितना होगा -3। अब 2y = 9 में 3 गया तो 6 हो जाएगा। अब y निकालना है, देखिए y 2 के साथ गुना में है, 2 यहाँ इधर आने से भागा में हो जाएगा, कट जाएगा। 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, इसीलिए y = 3। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। 11+6p = 7, इसमें p का मान निकालना है। तो 6p को जैसा का तैसा रहने देना है, दाएं तरफ 7 7 को रहने देना है, और बाएं तरफ देखिए -+7 + 11, दाएं तरफ जाने से -11 हो जाएगा। अब 6p = 7 में 11 नहीं घटता है, तो 11 में 7 घटाना है, -3 देना है। 11 में 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब पी का मान निकालना है, तो पी के साथ 6 गुना में है, इधर आने से क्या बट्टा रूम में हो जाएगा, है ना, भागा में। अब देखिए कट रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अब पी बराबर क्या हो जाएगा -2/3, -2/3, आपका बट्टा में भी निकल सकता है मान, है ना। अब 15 नंबर में देखिए। 3/7 × x = 17/7, ये हमारा प्रश्न रहा। इसमें देखिए इसमें x को जैसा का तैसा रहने देना है, और संख्या को संख्या तरफ ले जाएंगे। देखिए 17/7 माइनस प्लस 3/7 है, दाएं तरफ जाने से क्या हो जाएगा -3/7। अब देखिए भिन्न का घटाव है, 7 और 7 का एलसीएम करेंगे तो 7 आएगा, 7 से 7 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 17 से गुना करेंगे 17 आएगा, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 7 से 7 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। अब एक्स बराबर देखिए 17 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 14, और बट्टा में 7। अब देखिए 7 से कट जा रहा है, 7 के 7 7 × 2 = 14, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न देखिए। 3/2 = 7/6, इसमें भी देखिए उसी प्रकार से यहाँ प्लस में था या माइनस में है, एक्स को जैसा का तैसा रहने देना है। 7/6 दाएं पक्ष में है तो उसको लिखना है, और देखिए बाएं पक्ष में संख्या में -3/2 है, तो दाएं तरफ जाने से क्या होगा +3/2 हो जाएगा। अब एलसीएम करेंगे, 6 और 2 का एलसीएम करना है ना, 6 और 2 का 2 से जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 6, 6 हो जाएगा। अब 6 से 6 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 आएगा, +3 है तो प्लस देंगे, 2 से फिर 6 को भाग देना है तो 2 × 3 = 6, 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। एक्स बराबर 9 और 7 कितना होता है 16, 16/6, देखिए 2 से कट रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, और एक्स बराबर क्या 8/3 हो गया। स्क्रीन शॉट मार लीजिए, आशा करते हैं कि मार लिए होंगे। मिटाते हैं, नंबर का प्रश्न देखिए। 2x-4
वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री। इसमें भी देखिए टू एक्स को जैसा का तैसा रखना है, बराबर तीन माइनस में एक बटा दो है, दाया तरफ पक्षांतरण करने से प्लस में एक बटा दो हो जाएगा। अब टू एक्स बराबर क्या लिखना है, नीचे कुछ नहीं एक दे सकते हैं, देखिए इसको भिन्न का जोड़ कर लिख लीजिए, दो और एक कैल्शियम दो हो जाएगा, एक से दो को भाग देंगे दो, दो किया छः, जोड़ का चिन्ह जोड़ देंगे, फिर दो से दो को भाग देंगे कितना आएगा एक, एक को एक से गुना करेंगे एक आएगा, तो टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिए छः और एक सात, सात बटा दो हो गया। अब देखिए जब भी ऐसा रहेगा है ना, यहाँ देखिए दो गुना में है, इधर आने से क्या भागा में कर देना, एक्स बराबर सात बटा दो, दो गुना में है इसके साथ, इधर आने से क्या भागा में हो जाएगा, भागा में हो गया। अब एक्स बराबर सात बटा चार हमारा आंसर रहा। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न क्या है, एक्स बटा तीन प्लस एक बराबर सात बटा पंद्रह। इसमें भी देखिए एक्स बटा तीन को इसी तरह बाएं पक्ष में ही रखना है और सात बटा पंद्रह को लिखना है, देखिए प्लस में एक बटा प्लस में एक है तो दाएं तरफ जाने से माइनस में एक हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं एक दे सकते हैं आप, एक्स बटा तीन को जैसा करते तैसा रहने देना है। अब इसका एलसीएम कीजिए, पंद्रह और एक का एलसीएम पंद्रह हो जाएगा, अब पंद्रह से पंद्रह को भाग देंगे एक आएगा, एक को सात से गुना करेंगे सात आएगा, घटा का चिन्ह घटा देंगे, फिर एक से पंद्रह को भाग देंगे पंद्रह आएगा, पंद्रह को एक से गुना करेंगे पंद्रह आएगा, फिर एक्स बटा तीन सात में पंद्रह नहीं घटेगा तो पंद्रह में सात घटेगा माइनस तीन लगेगा, पंद्रह में सात घटाएंगे तो आठ हो जाएगा, आठ बटा पंद्रह। अब देखिए ऐसा आता है कभी भी इसको वज्र गुणन करना है ना, एक्स बटा थ्री और माइनस आठ बटा पंद्रह, इसको क्या करेंगे वज्र गुणन टेढ़ा टेढ़ा गुना करेंगे तिरछा गुना, वज्र गुणन करने पर ये आप लिख लेना है आपको गुना करना। देखिए एक्स को पंद्रह से गुना करेंगे, पंद्रह गुना एक्स और तीन को माइनस आठ से गुना करेंगे, और देखिए पंद्रह गुना एक्स क्या हो जाएगा पंद्रह एक्स, कभी भी चर और अचर गुना होता है पहले तो उसमें अचर को पहले रखा जाता है संख्या को है ना, संख्या के बाद चर को रखा जाता है। अब देखिए आठ दिया चौबीस और माइनस प्लस माइनस 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 चौबीस हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालना है, माइनस चौबीस पंद्रह गुना में इधर आने से भागा में हो जाएगा। अब देखिए तीन का पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तीन पचे पंद्रह तीन आठे चौबीस, तो एक्स बराबर क्या है माइनस आठ बटा पाँच और कटेगा नहीं आंसर ही नहीं, इसको भी स्क्रीन शॉट मान लीजिए, आशा करते मान लिया हम अंतर। उन्नीस नंबर में देखिए एक्स बटा चार बराबर सात बटा आठ, ये देखिए आपको यहाँ देखने से ही पता चल जा रहा है इसमें क्या है वज्र गुणन है ना, तिरछा गुना करना है, लिख देना वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर अब आठ को एक्स से गुना करेंगे, आठ को एक्स यानी चार को सात को, आठ गुना एक्स आठ एक्स हो जाएगा, चार सात है अट्ठाईस, एक्स बराबर हमको अट्ठाईस या आठ गुना में है भागा में हो जाएगा। अब कट जाएगा देखिए दो दो सौ के आठ चौदह, फिर दो से कटेगा दो दूनी दो सात से इसमें इसमें कितना आ जाएगा सात बटा दो हो जाएगा। अब बीस नंबर का प्रश्न देखिए थ्री इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फिफ्टीन। इसमें देखिए तीन को क्या एक्स से गुना करना है ना, तीन गुना एक्स तो तीन एक्स हो जाएगा, प्लस 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 तीन दूनी छः, इसमें एक बार इसका से लेके गुना करना है फिर इसका से लेके, तीन जैसा रहे प्लस 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 हो गया आप फिफ्टीन जैसा का तैसा लिख देना। अब देखिए तीन एक्स को जैसा का तैसा रखना है, पंद्रह प्लस छः बायां पक्ष में है, दाएं तरफ जाने से माइनस छः हो जाएगा, थ्री एक्स बराबर पंद्रह में छः घटाएंगे तो कितना नौ हो जाएगा। अब एक्स बराबर नौ बटा तीन, तीन यहाँ क्या गुना में यहाँ बारह हो जाएगा, तीन से कटेगा तीन तीन नौ, इसीलिए एक्स बराबर तीन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।